हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आप सबने देख लिया है, मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है? मेरी खुद की नॉर्मल वीडियोस जा रही हैं, बट कुछ लोगों की भी हम छोड़ दे बेटा। हाँ बेटा, कुछ लोगों की आदत होती है कंट्रोवर्सीज करने की, है ना, बेकाम की कंट्रोवर्सीज करने की। मैं दूर रहती हूँ, मैं अपनी नॉर्मल वीडियोस डालती हूँ। अब लोग आके मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, तू तो कैसी बहन है, तू चिल्ला रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो मैं एक बात बता दूँ, वो ना लाइव नहीं थी, ठीक है? वो लाइव ऑन करके वो वीडियो नहीं बनाया गया था, वो ना वीडियो बना के कट लगा लगा के वीडियो बनाया गया। पहले इसने क्या किया कि वीडियो बनाया, माँ से मम्मी को पास कैमरा लेके खड़ा हो गया, कैमरा ऑन कर दिया और अनाप शनाप बोले जा रहा कि हाँ निधि ने आपको रोटी नहीं दी, निधि ने ये नहीं किया, मैं केस करूंगा, हम केस करेंगे निधि के ऊपर। ये बोल रहा मेरे घर में आके कि मैं केस करूंगा, निधि ने अच्छे से टेक केयर नहीं करी आपकी, मैं तो लीगल एक्शन लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहा जानबूझ के, और पता है बहुत आराम से बात कर रहा, शालीन तरीके से, शांत रह के। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि निधि हाइपर हो जाएगी, कुछ बोलेगी, और फिर जब बोलेगी तब मैं कैमरा लेके रिकॉर्ड करूंगा उस चीज को, और फिर कैमरा करके यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे डालूंगा ताकि निधि की इमेज खराब हो। इसने शुरू से वही काम किया है। एक बात बताओ, इसका क्या मतलब बनता था जब मैं इसके बारे में जिक्रा नहीं करी? उस टाइम मैंने लाइव जब करी थी ना, तब तभी करी थी, मेरे को यही चीज ये कर रहा था कैमरा लेके ऑन करके। ये मेरे मतलब बात कुछ नहीं, ठीक है, कि बोल रहा कि ना मम्मी को ना तू रोटी नहीं दे रही है, अब ना मैं देखूंगा, मैं लीगल एक्शन लूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसे आके मेरे घर में ना वीडियो बना रहा, कैमरा ऑन कर रखा, मम्मी यहाँ लेटी हुई। मैंने उस टाइम भी इसको क्या बोला कि तू कैमरा बंद कर ले, मैंने ये नहीं कहा कि तू चला जा यहाँ से, मैंने कहा बस कैमरा बंद कर ले, मेरे घर में कैमरा ऑन मत कर, बस कैमरा ऑन करके। मतलब मेरे बारे में उल्टा सीधा वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसे बोल रहा उस टाइम, ठीक है? तो मेरी अभी भी कुछ और वीडियोस ही जा रही है, देखा है आपने, मेरा कुछ और कंटेंट चल रहा था, मैं नहीं करती हूँ ये सब चीजें। हाँ मेरा बच्चा, मेरे को समझ नहीं आता ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, हाथ धो के धक्के से ही, धक्के से बिना काम के इसकी निधि को गलत दिखाना है। क्यों निधि, एक महीने से सेवा कर रही थी अपनी माँ की, ठीक है, माँ के डायपर तक, उनको बाथरूम पोटी सारा काम मैं कर रही थी, ठीक है, लड़की होके, क्योंकि लड़की कर सकती है, मैंने ये बहुत बोली। लेकिन इसको दिखाना था कि निधि को गलत प्रूफ करना है सोशल मीडिया में, लोगों के सामने गंदा दिखाना है, तो इसलिए मैं एवा बताओ, जब ये बंदा कुछ मेरे को सामने से बोल रहा है, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा? मैंने बोल दिया भाई निकल यहाँ से, क्या तू क्यों बकवास करने जा रहा है? और जो ये इसने बकवास करी ना वीडियो में, वो सारी कट लगा दी, वो कुछ भी नहीं डाला उस वीडियो में, सारी जगह कट कट। उसने जहां से ना मैंने बोलना शुरू किया ना कि कैमरा ऑन क्यों कर रखा है, ये क्यों है, वो पार्ट तो वहां से तो रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दिया इसमें सोशल मीडिया पे। उससे पहले ये क्या क्या बोल रहा था, क्या क्या करा, वो सारा डिलीट कर दिया, ये काम, ठीक है? अगर ऐसे था तो उस टाइम लाइव ऑन कर लेता, लाइव करके वीडियो बना लेता ना, लाइव करता पता चलता क्या हो रहा था क्या नहीं। तो बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा है कि पहले तो ना शांत रह के ऊपर ऐसी ऐसी बातें करे ताकि मेरे को गुस्सा आए, क्योंकि आप लोगों को मेरा नेचर पता है, मैं थोड़ी हाइपर हो जाती हूँ। हाँ मेरा बच्चा विहान है, देखो मैं थोड़ी सी हाइपर हो जाती हूँ, मेरे को एकदम से ना गुस्सा चढ़ता है फिर, ठीक है, मेरे सहन नहीं होती ऐसी चीजें, ठीक है। और इसको पता है, तो इसको था कि निधि कुछ बोले और मैं उसको रिकॉर्ड करूं और उसको फिर वीडियो को सोशल मीडिया पे डालूं। हर बार का है, मैं तो देख के बैठी हूँ, मैं बहुत दूर रहती हूँ, मैं इसीलिए ना जितना हो सके ना अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलती हूँ, मुझे पता है, ठीक है, कि ये ऐसे ही काम करता है। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ यही है कि निधि को गिराना है, वरना अदरवाइज अपनी नॉर्मल वीडियोस डाल लेता, अपनी कुछ भी दिखाए यार, कुछ भी दिखाए, ये सब फालतू बकवास करने का क्या मतलब बनता है ये चीजें। हाँ मेरा बच्चा, आजा मेरे लानो, देखो मैं तो अपनी लाइफ में देखो जिसको जो बोलने मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हूँ बदतमीज तो हूँ। जो आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, जो आप लोग कमेंट कर रहे हो, निधि ने तो ससुराल में भी ऐसी चिल्लाई होगी, ऐसी गुस्सा करती होगी, तो भाई करूंगी, गलत चीजों पे तो गुस्सा आता ही है, हर इंसान को आता है, ठीक है। मैं भी कोई संत तो हूँ नहीं, मैंने कभी कहा भी नहीं कि हाँ मैं ही संत हूँ, मैं, ठीक है, नहीं हूँ मैं संत, मेरे को गुस्सा भी आता है, मैं चिल्लाती भी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने बोल रही हूँ भैया, मेरे को आता है, भैया कोई अगर मेरे सामने दो गंदी बातें करेगा तो उल्टी मेरे मुंह से भी निकलेगी, ठीक है। मैं भी ऐसी नहीं हूँ कि किसी की चार बातें सुन के चुपचाप बैठ जाऊंगी, ठीक है। तो अगर कोई मुझे बोलेगा तो मैं भी बोलूंगी, हाँ मेरा बच्चा, ठीक है मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, तो हाँ मेरा बच्चा, और एक बात मुझे ये चीज बता दो, ये जो कर रहे कह रहे हैं हाँ भैया निधि बदतमीज थी निधि, अरे इसका क्या, एक बताइए, अपनी बहन पे बोल रहा है कि मैं तेरे पे लीगल एक्शन लूंगा, लीगल एक्शन लूंगा,
खुद देख लो ना ये चीज, मैं तो अभी मेरी नॉर्मली वीडियो जा रही थी, आगे भी नॉर्मली जाएंगी, लेकिन मेरे पास फिर लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, ये मेरे को मेरी अपनी वीडियोस में इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्यों मेरे को ऐड करा, अगर मैं कुछ बोल रही थी तो मेरी आवाज क्यों इसकी वीडियो में गई है, मुझे बता दो, जब मेरी वीडियो में इसकी आवाज नहीं जाती, इसकी वीडियो नहीं जाती, इसकी फोटो नहीं जाती मेरी वीडियोज में, मैं नहीं लेती, तो मेरी आवाज अगर मैं इसको बोल रही हूँ मेरे घर पे, इसके घर पे जाके बोल रहा है कुछ, ये मेरे घर पे आया हुआ था उस टाइम, मैं इसको चिल्लाऊंगी, भैया अगर ये बदतमीजी करेगा तो मैं चिल्लाऊंगी, ठीक है, और बदतमीजी क्या, मम्मी के सामने इसने ऐसे बोल रहा कि हाँ मैं निधि पे केस करूंगा, मैं लीगल एक्शन लूंगा इसके ऊपर, इसने मम्मी को, मम्मी की अच्छे से केयर नहीं करी, ये नहीं करी, गुस्सा नहीं आएगा ऐसी बातों पे, मैंने कहा कैमरा बंद कर दे, उस टाइम मैं यही कह रही कैमरा ऑफ कर दे, कैमरा बंद करके कर ले जो बात करनी है मम्मी से, यहाँ कैमरा ऑन मत कर। उसके बाद फिर बाद में भी इसने बोला लीगल एक्शन लिया जाएगा, फिर भैया ये क्या है, मतलब अपनी बहन पे कह रहा है लीगल एक्शन लेगा, भाई तो दूर रहे, मैंने यही तो बोला निकल यहाँ से, फिर तू कुत्ते तू कर क्या रहा है ऐसी बकवास बातें कर रहा है, यही तो बोला मैंने, ऑब्वियसली मुंह से निकलेगा भैया, और लोग अगर आप किसी के लिए कर भी रहे हो, ठीक है आप अच्छा कर भी रहे हो सामने से, फिर भी वीडियो बना के देखो लीगल एक्शन कर रहा है मेरे सामने आके, उसके बावजूद भी देखो मैं अपना नॉर्मली वीडियोस डाल रही थी, इसका इतना सा भी नहीं बनता मेरी बात, मेरी देर को रिकॉर्ड करके, मेरी आवाज रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे डालने का क्या मतलब बनता है, मैं इसका डाल रही हूँ कुछ भी, मैंने डाला इसका नाम यूज कर रही हूँ इसका, इसका मैं इसकी वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे डाल रही हूँ, मैं इसकी कुछ भी डाल रही हूँ, तो इसका क्या मतलब बनता है, मतलब ये क्या क्या कर रहा है, मतलब जान मुझे दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अब लोग मेरे को बोल रहे हैं भैया तू तो कैसी बदतमीज, हूँ भाई बदतमीज हूँ, दी थी गाली मुंह पे सामने बोला है मैंने, ठीक है बोलूंगी, गुस्सा आएगा कोई गलत ऐसे हर बात बोलेगा ना, लेकिन ना पता है जो इस शुरू में बोला मेरे को उकसाया गया इस तरीके से, ठीक है ना, पहले ऑफ कैमरा, कैमरा ऑन करके बकवास की गई, मेरे को उकसाया गुस्सा दिलाया, और वो पार्ट वीडियो में नहीं डाला गया, क्यों, क्योंकि तब तो लोग बोल देते हैं कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है निधि को, वो बातें हटा दी, और जब मैं बोल रही थी वो पार्ट रिकॉर्ड करके वीडियो में डाल दिया कि देखिए कैसे बोल रही है, तो हाँ जी मैं बोल रही हूँ, कहीं गुस्सा सबको आता है, ठीक है, जिसके साथ जो जो करेगा भी, जो अपने माँ बाप का करेगा भी, उसके बावजूद अगर उसके भाई लोग ये बोलेंगे कि तू अच्छे से टेक केयर नहीं कर रही, इसीलिए बुजुर्गों को ढंग से नहीं रख रही, इसीलिए हम तेरे ऊपर लीगल केस करेंगे, लीगल केस करूंगा, उस दिन भी बोल के चला गया कार में जिस दिन मम्मी को छोड़ने आया कि अगर कुछ हुआ ना तो लीगल केस करूंगा, मेरे ऊपर लीगल केस करता रहेगा कि लीगल केस करूंगा तेरे ऊपर, तो भाई गुस्सा आएगा उस टाइम, मैं मुंह से निकलेगा कि भाई क्या लीगल केस लगा रखा है ऐसे टाइम में भी, तो गुस्सा तो आएगा भैया कि तू मेरे घर पे आके मेरे को लीगल केस की धमकियां दे रहा है कि भाई मैं तेरे ऊपर लीगल केस कर दूंगा अगर मम्मी की अच्छे से केयर नहीं हुई, ये नहीं हुई, मम्मी को रोटी नहीं मिली, भैया वीडियो में देख लो पूरा केयर करने लग रही, उसके बावजूद भी पता मेरे ऊपर पता केस करने का सोच रखा कि हाँ इसको ऊपर केस कर दे, ये कर दे वो कर दे, मैं तो दूर रहती हूँ यार, मैं तो बहुत दूर रहती हूँ इन चीजों से, मैं बहुत बच के रहती हूँ कि यार अपने काम से काम रखूं, अपने काम से, लेकिन देखो एक बात बताओ, जब मैं कुछ बोल ही नहीं रही, जब मेरी वीडियोस मेरा अपना अलग ही चल रही है इस टाइम आपके सामने है, फिर मेरी बात को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालने का मतलब क्या हुआ, ये बता दो मुझे, सिर्फ कंट्रोवर्सी करनी थी, लोगों के सामने मुझे बुरा दिखाना था, दिखा दिया, मैं बुरी बहन हूँ तो हूँ भैया, सामने हूँ जो हूँ सामने हूँ, ठीक है फेक तो नहीं हूँ मैं, ठीक है गुस्सा आएगा तो गाली निकलेगी मुँह से, ठीक है गाली निकलती है, कोई किसी को अच्छा भी करे भला भी करे उसके बाद भी लीगल केस कोई करे ऐसी चीजें होए, और मेरी मैं जब अपना काम कर रही मेरी वीडियोस अपनी जा रही तो तब ये सब होने का क्या मतलब बनता है, जब मैं किसी को कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मेरी नॉर्मल वीडियोस है उठा के देख लो आप, मेरे साथ ना बहुत माइंड गेम्स खेले जाते हैं, बहुत माइंड गेम्स, और मुझे ना हर बार फंसाया जाता है, मैं नॉर्मल अपना काम कर रही होती हूँ ना फिर भी धक्के से मुझे टारगेट करके फंसाया जाता है कि हाँ निधि को किसी ना किसी तरीके से फंसाओ, ठीक है, और मेरे को फंसाने वाला कोई दूर के लोग नहीं होते, अनजान लोग नहीं होते, मेरे घर के ही लोग होते हैं, इसीलिए जो जिस बंदे का ना कहते नहीं आपने वो देखी होगी आपने महाभारत है ना, तो मेरे साथ भी वही बनी हुई है आज के टाइम में, है ना, मेरे तो आसपास वाले मेरे दुश्मन बैठे हैं, और कौन होगा दुश्मन, ठीक है जी, हाँ बेटा, हाँ मेरा बच्चा दिखा कितनी खा गया, इतनी सारी खा गया बेटा, इतनी तो देनी भी नहीं थी, किशमिश का पैकेट दिया था मैंने विहान को, इसने फायदा उठा लिया, मैं वीडियो बना मैं आपसे बात करने में लगी हुई थी, इसने खा ली, बस अभी इसे मैं यहाँ बना के खिलाऊंगी मेरे बच्चे को,
ठीक है जी, एंड करती हूँ मैं वीडियो का। मम्मी मुझे किडनी नहीं खानी। नहीं खानी है बेटा, नहीं खानी। खानी है। क्या कर दूंगी धक्के से ही, परेशान करने वाली बात हो जाती है दूसरे बंदे को जब बंदा बोल ही कुछ नहीं रहा, अपना काम कर रहा है फिर भी। चलो मैं यहाँ आ गया।